दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने शॉर्ट्स वीडियो को एक मिनट में वायरल कैसे करेंगे। इस पर मैंने पिछले भी एक वीडियो बना रखा है जिससे आप लोगों को बहुत ही फायदा हुआ और आप लोगों ने मुझे बताया कि भाई कुछ और भी ट्रिक बताओ जिससे शॉर्ट्स वीडियो और भी वायरल हो। तो आज के इस वीडियो में बेसिक उसमें तो दो तीन ट्रिक मैंने बताया था, इसमें मेन ट्रिक इसमें भी बताया हूँ दो तीन। तो अब ध्यान से इस वीडियो को देखना और मैंने भी इसी मेथड से अपने शॉर्ट्स वीडियो वायरल कर रखे हैं जो कि मैंने आपको बताऊंगा दिखाऊंगा। वैसे मैं इस चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड नहीं करता हूं, बट कुछ कुछ शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया है जो वायरल करवाया है मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो को। अब कैसे हुआ ये सभी चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो में, और साथ ही चैनल पर जाए तो सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। सो दोस्तों होता क्या है, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि शॉर्ट्स वीडियो वायरल करने का मेन ट्रिक क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने शॉर्ट्स वीडियो शुरुआत में वायरल करने जाते हैं, यानी अभी आप न्यू हैं यूट्यूब पे और आप न्यू चैनल है आपका और अभी आपका चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं है, 2-4, 10 या 100-200 सब्सक्राइबर है, तो आप अपने शॉर्ट्स वीडियो का लेंथ यानी कि आप जो साइज होती है आपकी शॉर्ट्स वीडियो एक मिनट तक की अपलोड होती है, लेकिन आपको कम से कम लेंथ में बनाना है। ये मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था और कुछ भी और ट्रिक मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन में, आपको सारे टैग कैसे लगाना है वो भी बताया था, अगर आप नहीं देखे तो आई बटन में लिंक है जाकर देख लेना। आज का टॉपिक बिल्कुल अलग होने वाला है, मतलब बिल्कुल अलग ट्रिक देने वाला है उसमें। इसमें क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट्स वीडियो में आपको सबसे पहले शॉर्ट्स वीडियो में जो आप बनाते हैं उसका लेंथ तो आपको छोटा रखना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है जो कि पहले वाले वीडियोस में, बट इस वीडियो में भी मैं आपको बोलना चाहूंगा बार बार से कि आपको शॉर्ट्स वीडियो का जो आपका लेंथ होती है वो कम मिनट यानी कि 20 से 30 सेकंड की रखनी है, ताकि आप लोगों को होता क्या है कि इससे फायदा क्या होता है ये आप पहले जान लो। शॉर्ट्स वीडियो में आप कम सेकंड की शॉर्ट्स वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियो जैसे ही किसी के पास जाएगी तो वो कम सेकंड में ही देख लेगा आपको वीडियो और फर्स्ट टाइम मिल जाएगी, जिससे आपका शॉर्ट्स वीडियो वायरल मिल जाएगा और व्यूज आएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा मिनट का वीडियोस बनाते हो एक मिनट तक का तो बोरिंग टाइप का हो जाता है थोड़ा, क्योंकि अभी आपको लोग समझ नहीं रहा है, आपको लोग जानते नहीं है अभी, तो लोग आपके एक मिनट का पूरा वीडियो देखना नहीं चाहते, जिससे कि आपका रिटेंशन डाउन हो जाता है, 2-3 सेकंड देख करके आदमी स्वाइप कर देते हैं, तो इस वजह से आपका शॉर्ट्स वीडियो आगे नहीं फिर भेजता यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब को लगता है भाई ये तो शॉर्ट्स वीडियो अच्छा बनाया ही नहीं है, चिल नहीं रहा है, तो इस टाइप से हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो शॉर्ट्स वीडियो में सबसे मेन चीज जो आपको लगाना है वो है थंबनेल, क्योंकि थंबनेल, अब आप लोग बोलोगे भाई शॉर्ट्स वीडियो में थंबनेल कैसे लगेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस बना रखा है और मैं एक डिटेल में एक्सप्लेन करके आप लोगों को वीडियोस बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना कि शॉर्ट्स वीडियो में थंबनेल कैसे लगाओगे। देखो शॉर्ट्स वीडियो में थंबनेल लगाने का फायदा क्या होता है कि आपके शॉर्ट्स वीडियो आप कई बार देखे होंगे यूट्यूब पे, तो आपको शॉर्ट्स वीडियो में थंबनेल टाइप का कुछ और दिखता होगा, लेकिन जैसे आप उस पर क्लिक करते होगे शॉर्ट्स वीडियो के अंदर कुछ और वो बता रहा है, लेकिन थंबनेल वो कमाल के एकदम लगा रखा है। तो अब कैसे थंबनेल बनाओगे वो तो मैं बताऊंगा ही अगले वीडियो में, और वैसे मेरे चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी इस टॉपिक पर है, आप लोग देखना चाहते हो तो जाके आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। देन उसके बाद आपको शॉर्ट्स वीडियो का जो मेन काम है वो क्या है, जब भी आप शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करते हो थंबनेल तो आपको लगाना ही है, कैसे लगाओगे वो मैं बताऊंगा। और आपको यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन सबसे बड़ा मायने रखता है। बहुत लोग क्या सोचते हैं भाई शॉर्ट्स वीडियो का डिस्क्रिप्शन कुछ भी मायने रहने रखता है, ऐसा बिल्कुल भी गलत सोच रहे हो आप, क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन से आपके शॉर्ट्स वीडियो सर्च में जाते हैं, आजकल सारे शॉर्ट्स वीडियो सर्च में आते हैं आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन लंबा चौड़ा मैंने लिख के रखा है, और जो आपका ये जो मतलब ये जो होता है टाइटल शॉर्ट्स वीडियो का, ये मेरा एक मिनट का वीडियो है बट इस पर 1 लाख व्यूज है, आप लोग देखे होंगे, बट आपको मैं बता दूं ये जो मतलब वीडियोस है, क्योंकि लोग मेरे चैनल को देखते थे उस समय तो मेरे चैनल पर व्यूज आए, लोग देखे हैं, लेकिन आपको शुरुआत में कम मिनट का वीडियोस बनाना है यानी कि 20 से 30 सेकंड का वीडियोस बनाना है, और भी कम करना चाहते हो तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो शॉर्ट्स का टाइटल आपको लिखना है वो आपको पहले इंग्लिश में लिखना है या फिर पहले हिंदी में लिखना है, और थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के लिखना है, जैसे आप देख सकते हो मैंने आधा इंग्लिश आधा हिंदी लिखा है, और लास्ट में एक हैशटैग शॉर्ट्स लिख देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो शॉर्ट्स हैशटैग लिखे आप, ये आपके शॉर्ट्स वीडियो को शॉर्ट्स फीड में भेजेगा, यानी शॉर्ट्स फीड में जब भी आप स्वाइप करते हो तो शॉर्ट्स फीड में आपका चैनल का ये वीडियोस जाएगा। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी आपको हैशटैग शॉर्ट्स कहीं पर ना कहीं पर लिखना है, ये मेन चीज होता है। अब आपको सेव करना है, और इस मेथड से आप ये दो तीन ट्रिक लगा के आप लोग अपने शॉर्ट्स वीडियो को वायरल कर सकते हो। और भी दो तीन ट्रिक मैंने पहले वाले वीडियोस में बता रखा है आप लोगों को, वो जाके देख लेना, आई बटन में लिंक है, और आप लोग कमाल की वीडियोस बनाओ और शॉर्ट्स को वायरल करो, और उम्मीद करता हूँ कि आपका भी शॉर्ट्स वीडियो वायरल होगा इस ट्रिक को देखने के बाद, क्योंकि पिछले वीडियोस में काफ़ी अच्छे लोग कमेंट और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे भाई आपके ट्रिक काम कर गई और मेरे शॉर्ट्स वीडियो पर भी व्यूज़ आ रहे हैं।
कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक और कंप्लेन, एक और एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताना चाहिए, ये भी मेन फैक्टर रहता है। अब चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि शॉर्ट्स वीडियो में थंबनेल कैसे बनाओगे। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।